in this video, we are going to discuss about the different process parameters. So, fermenter, क्या करता है? Fermenter एक proper conditions provide करता है. Fermenter के अंदर हम conditions, proper conditions provide करते हैं for the microorganisms, ताकि वो क्या कर सके? हमारा product बना सके, right? Proper medium provide करते हैं. तो fermenter के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं, मेजर करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर, पीएच, एजिटेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, फोमिंग एट्सेट्रा, इन सभी को हमें क्या करना है, केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट यील्ड है वो अच्छा आए. सो सबसे पहला क्या है? टेम्परेचर. प्रोडक्ट हील तभी अच्छा आएगा जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करोगे फॉर देयर ग्रोथ. अब सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज़ टेम्परेचर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड. सो इसका मेजरमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि आप बायो रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो. सबसे पहला है मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर्स, दे आर यूज इन द स्मॉल बेंच फर्मेंटर्स. सो दिस इज़ द मर्करी थर्मोमीटर. इस तरीके से हमारा मर्करी थर्मोमीटर होता है जिसके अंदर नीचे बल्ब है, ऊपर हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड कॉलम है जिसके अंदर क्या होता है, मर्करी होता है. अब ये जो मर्करी का लेवल है, ये जो मर्करी इसके अंदर फिल्ड है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जो लेवल है वो भी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्रेजाइल होता है एंड अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया बायो रिएक्टर के अंदर तो ये टूट सकता है. तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल और रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हम. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल्स चेंजेस विद टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आएगी तो जो मेटल्स का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसमें भी चेंज आएगा. सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है क्या प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर. अब इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बल्ब होता है नीचे, देन आपके पास रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है, सेंसिंग एलिमेंट होता है, ऑल्सो जो यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट से आती है. ये जो आपका सेंसिंग एलिमेंट है ये किससे बना होता है, प्लैटिनम वायर होती है जो जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम होता है. नेक्स्ट आता है थर्मिस्टर्स. थर्मिस्टर्स दे आर द सेमी कंडक्टर्स, दे आर मिक्सचर ऑफ प्योर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकल और अदर मेटल्स. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मिस्टर्स. तो थर्मिस्टर्स क्या हैं, ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं एंड यहाँ पे किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, दैट देर इज लार्ज चेंजेस इन रेजिस्टेंस विद अ स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर में ज़रा सा भी चेंज आता है तो देर इज़ लार्ज चेंज इन द रेजिस्टेंस. अब जो यहाँ पे रीडिंग ऑब्टेन की जाती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से की जाती है और ये रिलेटिवली चीप हैं, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और स्टेबल भी हैं. सो हमें अपने बायो रिएक्टर के अंदर जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रखना है फॉर दी ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. This temperature is controlled by temperature sensor. So a water jacket on the bioreactor and a temperature control unit. So temperature sensor reads the actual process value of the culture medium. Culture medium में अगर कोई temperature का variation आता है तो वो sensor जो है उसको detect कर लेता है and signal भेजा जाता है controller के पास में. फिर ये जो temperature control units है वो उसको आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हुआ है, उसको पता चल गया सेंसर को. तो उसने सिग्नल किसको भेज दिया, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट को. अब वो क्या कर लेगी, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल का ही काम करेगी. सो इट हीट्स और कूल डाउन द वाटर.
और एनी हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड रिसर्कुलेटिंग इन द जैकेट. तो जो हमारे पास बायो रिएक्टर होता है ना, बायो रिएक्टर के साइड में यहाँ पर थर्मल जैकेट्स लगी होती है ताकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएँ, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े. तो इसके लिए यहाँ पे साइड में क्या होती है, थर्मल जैकेट्स होती हैं, हीटिंग जैकेट्स जिसको हम बोलते हैं. अब इसके थ्रू जो है वाटर सर्कुलेट करता है जिससे कि हम बायो रिएक्टर के अंदर जो मीडियम है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठंडा पड़ जाए मीडियम, तो अंदर इंटरनल हीटिंग कॉइल्स भी होती हैं. कुछ बायो रिएक्टर्स के अंदर इंटरनल हीटिंग कॉइल्स भी होती हैं. अब किसी भी बायो रिएक्टर के अंदर हीट क्यों जनरेट होगी, टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? या तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से, या फिर आप जो मैकेनिकल एजिटेशन कर रहे हो, जो आप एजिटेशन करते हो उससे भी क्या हो जाता है, जब हम ऐसे एजिटेटर से एजिटेशन कर रहे हैं तो उससे भी हीट जनरेट हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है. सो जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज़ प्रेशर. नेक्स्ट जो अपने पास पैरामीटर आता है प्रेशर. प्रेशर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है फर्मेंटर के अंदर ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न्स. आपके बायो रिएक्टर के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, कम भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्टिमम प्रेशर होना चाहिए. सो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेजरमेंट डिवाइसेस हैं जिससे कि हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास बोर्डन ट्यूब प्रेशर गॉज. सो इस तरीके से होती है हमारी बोर्डन ट्यूब प्रेशर गॉज. यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ पार्शियल कॉइल. ये क्या है, एक पार्शियल कॉइल है. इट इज़ अ पार्शियल कॉइल एंड दिस टेंड्स टू बिकम सर्कुलर विद इंक्रीज इन प्रेशर. अगर प्रेशर बढ़ता है तो ये सर्कुलर हो जाती है. तो ये क्या हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है. सो देर इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई दैट स्ट्रेंथन आउट्स वेन द प्रेशर इंक्रीजेस. प्रेशर की जो रीडिंग है वो हम कहाँ से नोट करते हैं, यहाँ पर होती है पाइनियन. पाइनियन मूवमेंट से हम, ये जो पाइनियन आपको दिख रही है इसकी मूवमेंट से हम प्रेशर की रीडिंग को नोट करा जाता है. नेक्स्ट टाइप का जो प्रेशर मेजरमेंट है वो आप डायफ्राम गॉज से कर सकते हो. डायफ्राम गॉज है दैट इज़ सूटेबल फॉर असेप्टिक कंडीशंस. यहाँ पे जो प्रेशर में चेंजेस आएंगे उससे क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम कैप्सूल है, ये जो अपना डायफ्राम है, दिस इज़ द डायफ्राम. अब जब प्रेशर में चेंजेस आएंगे तो ये जो डायफ्राम है वो उसकी में मूवमेंट होगी. एंड जब ये मूव करेगा तो हमारे पास जो ऊपर पॉइंटर है वो उसको यहाँ पर अपनी जो रीडिंग्स, ये पॉइंटर मूव करेगा. जब प्रेशर चेंज होगा तो ये पॉइंटर डायफ्राम, जब प्रेशर चेंज हुआ तो उससे क्या होगा, ये जो डायफ्राम है उसमें मूवमेंट होगी. और जब डायफ्राम में मूवमेंट होगी तो दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय दिस पॉइंटर. नेक्स्ट इज़ द पाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूज़र. सो इट इज़ अ सॉलिड क्रिस्टल सच एज क्वार्ट्स. तो यहाँ पे हम एक सॉलिड क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हैं. चेंजेस इन द क्रिस्टल शेप ड्यू टू द प्रेशर चेंजेस. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है. तो जब प्रेशर में चेंज आएगा तो ये जो क्रिस्टल का शेप है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. और जब क्रिस्टल का शेप चेंज होगा तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं क्रिस्टल के अंदर. प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स अटैच टू दिस क्रिस्टल. सो प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बायो रिएक्टर के अंदर सेफ्टी वॉल्स होती है. पॉजिटिव हेड प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर असेप्टिक कंडीशंस. प्रेशर टू बी रेज ड्यूरिंग द स्टीम स्टरलाइजेशन साइकिल. प्रेशर मेंटेन बाय द रेगुलेटरी वॉल्व एंड प्रेशर गॉजेस. सो सेफ्टी वॉल्स होती है सेट टू रिलीज द प्रेशर व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेस. जब भी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे घरों के अंदर हम जो कुकर यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो जो सेफ्टी वॉल्व ऊपर लगी होती है वो क्या करती है, उस प्रेशर को रिलीज़ कर देती है. सो दिस इज़ द प्रेशर गॉज, जो कि क्या करेगी, अगर आपके प्रेशर में कुछ चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे रीडिंग शो हो जाएगी. ये होती है आपकी सेफ्टी वॉल्व. नेक्स्ट पैरामीटर इज़ एजिटेशन. एजिटेशन क्या होता है कि सपोज़ करो कि ये आपका क्या है,
बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर के अंदर ये क्या है, मीडियम है। अब हम क्या करते हैं ताकि वो जो मीडियम है, अब यहाँ पे लगे होता है स्पार्जर। स्पार्जर से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर एंट्री करती है। अब ये ऑक्सीजन जो है वो पूरे मीडियम के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एजिटेशन करते हैं। ठीक है, हमारा जो एजिटेटर है वो उसको एजिटेट करता है ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो एजिटेशन सिस्टम टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एन इम्पेलर, अ ड्राइव मैकेनिज्म एंड अ मोटर। द गोल इज़ टू डिलीवर अ पावर इनपुट इन टू द कल्चर मीडियम टू जनरेट एफिशियंट मिक्सिंग एंड टू गेट अ होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर डिजोल्व ऑक्सीजन pH इन साइड द बायोरिएक्टर, ताकि भाई जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, pH है, टेम्परेचर है, पूरे मीडियम के अंदर प्रॉपरली सेम रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि एक कोने में ज़्यादा है, एक कोने में कम है, तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारा जो ऑक्सीजन है, इसलिए हम एजिटेशन करते हैं। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहाँ पे कि हमने एरेटर, एजिटेशन, स्पार्जर्स के बारे में पढ़ा था, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो इम्पेलर्स क्या होते हैं, इम्पेलर्स होते हैं ब्लेड्स। ऐसा आपका शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट के ऊपर क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं ऐसे करके। सो जो आपका एजिटेशन है ना, जो एजिटेटर है, उसमें क्या हो गया, एक तो शाफ्ट हो गया, फिर एक बीच में हो गई डिस्क, और इस डिस्क के ऊपर लगे होते हैं ऐसे करके ब्लेड्स। ऐसे करके क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स। ये जो ब्लेड्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इम्पेलर्स। ओके, सो the impeller type, size and location as well as the design of the sparger are critical factors to guarantee the homogeneity, while the limiting shear stress effect due to the hydrodynamics, aeration and their potential effect on the cells and process. So agitation rate को monitor करने के लिए हमारे पास एक device होता है जिसको हम बोलते हैं tachometer. Tachometer जो है that is used to monitor the rate of rotation, that is rate of the RPM of the stirrer shaft. And so this is the tachometer जो कि monitor करेगा rate of rotation of the stirrer shaft. So tachometer is the instrument जो कि क्या करता है, agitation speed को measure करता है in the rate of rotation RPM के अंदर. So the next parameter is the dissolved oxygen. Oxygen जो है वो हम कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, स्पार्जर्स की हेल्प से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन द बायो रिएक्टर। सो हाउ कैन वी मेजर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, स्टीम स्टरलाइजेबल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स मेजर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रीडिंग। सबसे पहले हमारे पास गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड्स, दे आर यूज्ड इन द स्मॉल फर्मेंटर्स, एग्जाम्पल लेड एनोड, सिल्वर कैथोड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट और एसीटेट इलेक्ट्रोड्स। सेंसिंग टिप होती है जो कि टेफ्लॉन की बनी होती है, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन एट्सेट्रा। इट वर्क स्लोली, सो वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड हैज़ लिमिटेड लाइफ। सेकेंड है पोलैरोग्राफिक इलेक्ट्रोड्स, विच आर यूज इन द इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एनोड, प्लैटिनम और गोल्ड कैथोड्स, एक्विस पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ फास्ट, वेरी प्रिसाइज, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कंपनसेटेड। नेक्स्ट वी हैव द फ्लोरोमेट्रिक स्टरलाइजेबल ऑक्सीजन सेंसर, इट इज़ डिफरेंशियल फ्लोरोसेंस क्वेंचिंग ऑफ अ क्रोमोफोर इज यूटिलाइज बाई द सेंसर, इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सेंसर इज ऑटोक्लेवेबल, स्टेबल एंड गिव रिलायबल मेजरमेंट्स। So this is the diagram. The first one is the galvanic electrode. Galvanic electrode हम small fermenters के अंदर use करते हैं. Second diagram is of the polarographic electrodes. अब जो पहले वाली है अपनी galvanic electrode, ये काफ़ी ज़्यादा slowly काम करती है, तो काफ़ी ज़्यादा temperature के sensitive है and इसकी limited life होती है, तो हम इसको prefer नहीं करते. Second वाली जो है, which is polarographic electrode, ये काफ़ी ज़्यादा
फास्ट काम करती है, बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर और टेम्परेचर के सेंसिटिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. सो यू कैन इंक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बाय इंक्रीजिंग द एयर फ्लो रेट और इंक्रीजिंग द एजिटेशन रेट, इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन इन इनपुट गैस, इंक्रीजिंग द एजिटेशन विद इंक्रीज इन ऑक्सीजन ट्रांसफर, which ultimately disperse air into the small bubbles, delays escape of air bubbles from the liquid, prevents the collapse of the bubbles, decreases the thickness of liquid film by creating the turbulence. So jo next parameter hai, that is pH. pH jo hai wo bhi bahut zyada important role play karta hai. Agar aapke fermenter ke andar jo media hai uska pH acidic ho jaye ya bahut zyada basic ho jaye to usse microorganisms ki growth ke upar effect pad sakta hai aur aapka product jo hai uske upar bhi effect pad sakta hai. So pH jo hai wo optimum hona chahiye, proper pH hona chahiye for the proper growth of the microbes. So typical mammalian cell lines, they have an optimal operation at the physiological pH in the range of 7 to 7.4. Most of the culture medium contains bicarbonate buffer to naturally keep the pH in that range. However, due to the cellular metabolism, cells produce CO2 and water as they convert glucose to lactate. So this was in case of the mammalian cell lines. Culture medium becomes more acidic during the culture if no action is taken. तो pH को मेंटेन करने के लिए आप बफर्स ऐड कर सकते हो. सो इन द बिगनिंग ऑफ द कल्चर pH इज रेगुलेटेड इन द रेंज ऑफ 7 to 7.4 बाय प्लेइंग ऑन द बाइकार्बोनेट इक्विलिब्रियम. CO2 इज एडेड इन द स्पार्जर टू इंक्रीज द डिजॉल्व CO2 एंड डिक्रीज द प्रेश pH. ऑल्टरनेटली द एयर इज एडेड इन द स्पार्जर टू स्ट्रिप द डिजॉल्व CO2 आउट एंड इंक्रीज द प्रेशर. वेन लैक्टेट एक्यूमुलेट्स इन द कल्चर मीडियम, एडिशन ऑफ एयर इन द स्पार्जर इज नॉट सफिशियंट इनफ टू इंक्रीज द pH. सो pH में अगर कोई फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो हम बफर को ऐड करते हैं एंड बफर इज यूज टू मेंटेन द pH. या फिर अगर आपका मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है तो उसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन डाल दो. अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है तो उसके अंदर एसिडिक कुछ डाल दो. बाकी pH का जो मेजरमेंट है वो हम कैसे करते हैं, pH सेंसिंग प्रोब लगे होते हैं, pH सेंसिंग प्रोब्स लगे होते हैं बायो रिएक्टर के अंदर. सो इस बायो रिएक्टर के अंदर आप देखिए जो हमारे पास pH और टेम्परेचर के सेंसर्स आपको दिख रहे हैं, तो pH जो सेंसर है वो क्या करता है, pH में अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है मीडियम के अंदर बायोरिएक्टर के अंदर तो हमारा जो pH सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा. अब आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे एसिड और बेस सप्लाई का पाइप दे रखा है. तो अगर जब pH सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि pH में फ्लक्चुएशन आ रही है, अगर मान लो मीडियम बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, तो बेस हम ऐड कर देंगे और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो हम एसिड को ऐड कर देंगे. नेक्स्ट पैरामीटर इज़ फोम. फोम सेंसिंग और कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फोम का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो प्रोडक्ट का यील्ड है वो कम हो सकता है. सो प्रोब इज़ इंसर्टेड थ्रू द टॉप प्लेट ऑफ द फर्मेंटर इन द फोम सेंसिंग एंड कंट्रोल यूनिट. प्रोब इज़ स्टेनलेस स्टील रॉड एंड इंसुलेटेड एक्सेप्ट एट द टिप. सो ये देखिए, दिस इज़ द फोम सेंसिंग एंड कंट्रोल यूनिट. ये हमारा बायो रिएक्टर है. बायो रिएक्टर के अंदर ये हमारा मीडियम है और इसके अंदर माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स हैं, फर्मेंटेशन चल रही है और इसके ऊपर हमने लगा रखा है प्रोब. ठीक है, तो प्रोब को हमने इंसर्ट कर दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्मेंटर. अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोब होता है ना, ये स्टेनलेस स्टील का होता है एंड इंसुलेटेड होता है एक्सेप्ट द टिप. सो जब फोम का लेवल बढ़ता है तो ये जो प्रोब है दैट विल ओके, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, बायो रिएक्टर है, बायो रिएक्टर नंबर 1 और 2. यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले बायो रिएक्टर में फोम का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है. तो दूसरे का जो फर्मेंटर कैपेसिटी है वो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर फोम नहीं बन रहा है, तो फोम जो है वो अच्छा नहीं है, वो बनना नहीं चाहिए. सो पहले वाले में आप देखिए कि जब यहाँ पे हमारे पास ये जो फोम लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास होता है प्रोब,
यहाँ पे हम क्या अटैच कर देते हैं, प्रोब। अब इसकी ये जो ब्लू वाली है, दिस इज़ द टिप, दिस इज़ द टिप। अब जब ये फोम जो है ऊपर आते आते इस टिप को टच कर देता है, जब वो फोम इस टिप को टच कर देगा प्रोब की टिप को, तो क्या पास होगा, करंट पास होगा, करंट पास होगा एंड डिटेक्टर को पता चल जाएगा। ठीक है, डिटेक्टर को पता चल जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, व्हेन द फोम rises and touches the probe tip, a current is passed through the circuit and this current actuates the pump or the valve. Antifoam is slowly released into the fermenter for a few seconds. क्योंकि भाई अब हमें फोम को क्या करना है, कम, अब डिटेक्टर को पता चल गया कि भाई फोम का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो फोम को रिमूव करने के लिए या फोम को डिक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर डालते हैं एंटीफोम एजेंट्स। एंटीफोम का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो एंटीफोम एजेंट हमने डाल दिया। सो हियर यू कैन सी, हमने एंटीफोम इनलेट से एंटीफोम डाल दिया है। प्रोसेस टाइमर्स टू इंश्योर द एंटीफोम हैज़ टाइम टू मिक्स इनटू द मीडियम एंड ब्रेक डाउन द फोम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।